नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रेलगढ़ में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे देश के अंदर रेलवेज के बाद सबसे ज़्यादा गुड परफॉर्मेंस जो है वो है हमारी सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें तो हमारे वंदे भारत की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। वहीं हमारे देश के अंदर एक जल्द ही RRTS कॉरिडोर भी शुरू होने वाला है, जो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में जो कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा तेज चलने वाली ट्रेन्स में से एक होगी, या फिर कह लें सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स में से एक होने वाली है। दोस्तों, इसकी स्पीड जो होगी वो करीबन 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक रखी जाएगी। तो दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में सारी डिटेल्स, सारी जानकारी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुणे से लेकर के नासिक के बीच में चलने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है इसको लेकर के कई नए अपडेट्स निकल के आए हैं। इसकी स्पीड को लेकर के, इसके कंस्ट्रक्शन को लेकर के कई सारे बड़े अपडेट्स निकल के आए हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन का जो है प्रपोजल बहुत पहले रखा गया था, जो कि नासिक से लेकर के पुणे के बीच में सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलनी है और ये करीबन 264.60 लंबा कॉरिडोर होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों 24 स्टेशन को भी शामिल किया जाएगा। उन सभी स्टेशन का जो नाम आपको डिस्प्ले होते हुए दिख रहा होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, बात करें इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट को लेकर के, तो यहाँ पर भी कुछ बदलाव हमें देखने को मिले हैं। दोस्तों, पहले जो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट रखी गई थी वो करीबन 16,000 करोड़ रुपए की इसकी कॉस्ट रखी गई थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है अभी इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 20,000 करोड़ रुपए तक हो चुकी है। अब दोस्तों बड़े अपडेट की बात करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा पुणे और नासिक के बीच में चलने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन के लिए सुरंग और भी जितना सिविल का काम होता है उसके लिए एक डिटेल्ड DPR रिपोर्ट तैयार करने के ऑर्डर्स दिए हैं। और इसमें कौन कौन से बड़े सिविल वर्क्स होने हैं और इसी के ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि EOI भी आमंत्रित किया गया है। दोस्तों EOI एक ऐसी योजना होती है जिसके तहत ये पता किया जाता है कि कितनी कंपनीज या फिर कितनी ज़्यादा चीज़ें इस प्रोजेक्ट को लेकर के इंटरेस्टेड हैं, फिर के उसी के अकॉर्डिंग जो है इस पे काम किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसकी स्पीड को लेकर। दोस्तों, पहले जब इस प्रोजेक्ट की बात की गई थी तो वहाँ पर कहा गया था कि इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है फिर दोस्तों यहाँ पर कहा गया कि इसको जो है ब्रॉड गेज पर चलाया जाएगा। वो करीबन इसकी जो स्पीड है वो 160 ना होकर के 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक रखी जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जिसको बोला जाता है EMU यानी कि इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स। दोस्तों, इसके जरिए जो है इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो चलाया जाएगा। तो दोस्तों ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट होने वाला है सेमी हाई स्पीड ट्रेन के लिए। उम्मीद करते हैं और भी सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो आने वाली हैं हमारे इंडिया के अंदर, उन समय भी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए ताकि उनकी भी स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे या फिर उससे ज़्यादा रखी जा सके। दोस्तों, ये कुछ बड़े प्लान्स किए जा रहे हैं पुणे से लेकर के नासिक के बीच में चलने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की अगर एंड डेट की बात करें तो यहाँ पर प्रोजेक्ट की जो डेट है वो 2024 से लेकर 25 तक के बीच में रखी गई, यानी कि इस समय अंतराल के बीच में इस प्रोजेक्ट का जो काम कंप्लीट किया जा रहा है। अब दोस्तों आने वाले भविष्य में जानकारियां मिलती रहेंगी कि कितना ज़्यादा गवर्नमेंट इस पर बड़े एक्शंस लेती है और कितनी जल्दी इस प्रोजेक्ट पर जो है काम शुरू होता है। फिलहाल के दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।